नमस्कार, इंटरटेनमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ विधानसभा अंतर्गत नगर पालिका परिषद बांगरमऊ द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम नाम से चलाए जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण व मुस्लिम वक्फ एवं हज राज मंत्री मोहसिन रजा, और इस कार्यक्रम में लोगों को योगी सरकार द्वारा दिए जा रहे आवासों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री सदियों में एक बार मिलता है, जैसा देश का प्रधानमंत्री उससे ही मिलता जुलता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, दोनों ही एक ही कार्य शैली है। दिन रात काम करना, 18 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करना, 4 घंटे ही सोते होंगे दोनों, तो अगर ऐसे मुखिया ऐसे प्रधान सेवक मिल जाएं प्रदेश और देश को तो विकास होगा, हर इंसान का विकास होगा, आपकी जन कल्याण योजना आपको मिलती रहेगी। और तो और उन्होंने विपक्षियों पर आक्रामक होते हुए कहा है कि विपक्ष ने किया नहीं कुछ, आज भी अगर आप देखें इधर उधर से सहानुभूति का कुनबा बना रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, खाली इसके लिए वह लुटेरों को जोड़ा जा रहा है, जो लुटेरे थे वह लुटेरों को फिर जोड़ा जा रहा है। आज तक आजादी से लेकर अभी तक सरकारें तो बहुत आई और गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 7 वर्षों में करोड़ों की तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों को मकान मिले जो पात्र बने, तो हम लोगों को भी बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार में काम कर रहे हैं कि जो जन कल्याणी योजनाएं लेकर आती है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। अब हम देख रहे हैं सभी तरह के लोग हैं, क्योंकि हम मत और मजहब और जाति देखकर नहीं बांटते हैं, कोई भी योजना का लाभ हम पात्र देखकर देखते हैं कि पात्रता के आधार पर उसको लाभ मिलना चाहिए। मैं जब पूछता हूं अपने चेयरमैन या विधायकों से कि आप, या इवन प्रधान से भी पूछता हूं कि भाई आपके यहाँ मकान कितने मिले, तो वो भी 200-400 मकान बता ही देता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्य जो हुआ है, और अक्सर आप हमारे एक भैया भी दिख रहे थे मुझे, उन्होंने बिजली की बात कही थी हमसे एक दिन कि बिजली भैया जो है रोस्टिंग में कट जाती है, कह रहे थे यही कहीं बांगरमऊ में ही कहा था, आपने कहा था भैया, लेकिन आपको ये अनुसरण करना होगा कि बिजली आती कब थी, हम उसकी चर्चा कर लें। आदरणीय योगी सरकार से पहले बिजली आती कहाँ थी, रोस्टिंग तो तब होगी जब आएगी, रोस्टिंग का तो तब आप लागू करेंगे जब आपके पास में बिजली आ रही होगी। तो इसलिए हम बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा आगे लगातार आप सबके सहयोग से, मोहब्बत से आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अभी 22 के बाद भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम ऐसे ही आपके सहयोग, और क्योंकि यह प्रदेश की जनता को समर्पित सरकार है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, ये जो विपक्ष है इसके पास कुछ है ही नहीं, नकारात्मक रोल के सिवा विपक्ष ने किया नहीं कुछ। आज भी अगर आप देखें तो इधर उधर से भानुमति का कुनबा बना रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, खाली इसके लिए वो लुटेरों को जोड़ा जा रहा है। फिर जो लुटेरे थे जिनको आपने हाशिए पर डाला है, ये छोटे छोटे लुटेरों को अपने